हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में थर्सडे और सैटरडे दो लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग किए थे, कि लास्ट वीक के दो लेक्चर आपके वो शेयर हुए हैं। अमार, शयान, मुबशिर, अरहम, बाकर, अहमद, शयान बेटे, दो लास्ट वीक के दो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे और वो आपको बाद में शेयर करते हैं। अच्छा, आपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अरहम, अम्मार, बाकर, लास्ट वीक में दो लेक्चर रिकॉर्ड किए गए थे, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल गए नहीं मिले, चले कोई बात नहीं, आज आपको वो दोनों रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे। जो लास्ट वीक के दो रिकॉर्डिंग लेक्चर थे वो आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम अपने फर्स्ट ईयर मैथ में एक नया चैप्टर चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वन का नाम है सेट्स। चैप्टर वन हमारे पास सेट का चैप्टर है। चैप्टर वन में हम सेट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर मैथ में चैप्टर वन सेट है और मैट्रिक मैथ में भी हमारे पास जो चैप्टर वन है वो सेट है। बाकर कहते हैं कि सर उस लेक्चर के लिए कितने पेजेस छोड़े हैं, देखिए कैसा करें कि आज का जो लेक्चर है वो आप किसी रफ कॉपी पर नोट डाउन कर लें और जो पिछले लेक्चर जब आपको मिल जाए तो उसको फिर कंप्लीट करने के बाद आज का जो लेक्चर है उसको फिर उसके आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसे पेजेस ना छोड़ें, आज के लेक्चर को रफ कॉपी पर नोट डाउन कर लें, पिछले जो दो लेक्चर हैं वो आज रात को आपको मिल जाएंगे, उनको समझ लें और उसको वहां से नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर चैप्टर वन को स्टार्ट कर लें। चैप्टर वन सेट में हमारे पास पहली तो डेफिनेशन आ रही है और डेफिनेशन ये है कि आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। हमारे पास ये कहा जा रहा है शयान पूछते हैं कि सर इससे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था। सर इससे पहले बेटे हम चैप्टर फोर को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर फोर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चैप्टर वन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। अ वेल डिफाइंड चैप्टर फोर कंप्लीट हो गया है। जी हाँ बिल्कुल आरंभ कहते हैं सर चैप्टर फोर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ कंप्लीट हो चुका है। दो लेक्चर लास्ट वीक के वो रिकॉर्डेड लेक्चर आज रात को आपको मिल जाएंगे, तो उनको पहले अपने फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद चैप्टर वन सेट स्टार्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। चैप्टर फोर के बाद अब हम चैप्टर वन को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फोर कंप्लीट किया है, उसके बाद हम चैप्टर वन की तरफ गए हैं। चैप्टर वन छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। डेफिनेशन ये कहती है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो और उसमें कंडीशन मौजूद हो, बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग कॉमा बिटवीन द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा को यूज करते हैं,
और एलिमेंट ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड. जी हाँ जी, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें तमाम स्टूडेंट्स, और अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. यह अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं. साथ साथ नोट करनी है तो साथ साथ नोट कर लें, पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें, बाद में उसको फेयर कर लें, लेकिन फेयर काम जरूर कीजिएगा. A well-defined collection of objects is called set when following conditions are true. कह रहे जी, by using curly bracket को use किया जाता है, denoted by capital English alphabets, capital English alphabets से denote करते हैं. By using comma between the elements, elements के दरमियान comma use करते हैं. Element of set are not repeated, कोई element repeat नहीं होना चाहिए. जैसा कि अरम कह रहे हैं कि आवाज में प्रॉब्लम है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरी तरफ से 100% वॉइस ऑन है. अरम बेटे आप देखें वॉइस आ रही है अब तक. शायान पूछते हैं कि सर सारा नोट करना है. जी हाँ, जितनी भी डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवाता जा रहा हूँ सारी नोट करनी है. अभी जैसे स्क्रीन पर आपके सामने डेफिनेशन आ रही है, इसकी कंडीशंस आ रही है, तो अगर अभी आप साथ साथ लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते जाएं, या आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं तो पिक्चर ले लें, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लें, और बाद में अपने फेयर रजिस्टर पर इसको नोट डाउन कर लें. शायान बेटे बात समझ में आ रही है मेरी, तमाम चीज़ें नोट डाउन करें इसी के पैटर्न पर, ताकि जब आप इसको खुद से रिवाइज करें तो आपको समझ में आए कि सेट की डेफिनेशन ही कहती है कि आपके पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए. देखें कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए गए, कैपिटल वर्ड से डिनोट करें, कैपिटल वर्ड से डिनोट भी किया है, एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा यूज़ करें, कॉमा यूज़ भी किया है, और एलिमेंट कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए. तो आपने देखा कि एलिमेंट कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसे हम सेट कहते हैं. सेट की डेफिनेशन को समझने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ सेट. ऑर्डर ऑफ सेट ये कहता है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेट का ऑर्डर कहलाती है. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज द ऑर्डर ऑफ ए, एन ऑफ ए नंबर ऑफ ए, ओ ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए, मॉड ऑफ ए. नाउ द एग्जांपल इज जैसे सेट ए इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि सेट के अंदर सिक्स एलिमेंट्स हैं, और सिक्स एलिमेंट होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इस सेट का जो ऑर्डर है वो सिक्स है. तो ऑर्डर ऑफ सेट बेटे क्या है, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो उस सेट का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है. भाई ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो उस सेट का ऑर्डर कहलाती है. ऑर्डर को तीन तरीके से लिखते हैं, ओ ऑफ ए लिखते हैं जिसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए लिखते हैं, इसके अलावा एन ऑफ ए लिखते हैं. तीन तरीके से हम इसकी ऑर्डर ऑफ सेट को लिखते हैं. क्या तमाम स्टूडेंट ने डेफिनेशन को और ऑर्डर ऑफ सेट को समझ लिया? बाकर, शयान, अरहम, मुबशिर, शयान कहते हैं कि सर एक दफा के नीचे का पॉइंट्स नोट करना है. अच्छा, पॉइंट आप नोट कर लें, मैं रुका हुआ हूं. डेफिनेशन के नीचे के पॉइंट्स नोट करना चाहे या ना करना चाहे आपकी
मर्जी है, बस बात समझ में आनी चाहिए कि सेट के लिए चार कंडीशन का होना जरूरी है, तर्तीब ब्रैकेट कॉमास, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, और आमतौर पर सेट को कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या है कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो उस सेट का ऑर्डर कहलाती है। कंप्लीट है सबके पास? नेक्स्ट हेडिंग अब आपके पास आ रही है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? कह रहे जी अगर आपके पास टू सेट्स ए और बी है, मुबशिर कहते हैं सर एक मिनट के लिए स्लाइड को पीछे करते हैं, आपके लिए मैंने स्लाइड को पीछे कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि फिर बाद में आप इसको आराम से नोट डाउन कर लें। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है जी? कह रहे हैं कि दो सेट हैं ए और बी और इनका अगर ऑर्डर सेम हो जाए, यानी अगर पहले सेट में सिक्स एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी सिक्स एलिमेंट्स आ जाए तो ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे सेट ए इसमें आप देखें फोर एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी फोर एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों सेट का ऑर्डर सेम है। और अगर दो सेट का ऑर्डर सेम हो जाए तो हम कहते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, कि ए जो है वो बी के साथ इक्विवेलेंट है। ये जो ए और बी के दरमियान में मैंने साइन यूज किया है इसे हम साइन ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं, ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी का साइन है, ए और बी के दरमियान में हमने यूज किया है। तो ए और बी जब एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। इक्वल सेट्स क्या है? अगर आपके पास दो सेट्स हैं और उनका बेटे ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, क्या ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो तो हम उसे कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं। जैसा कि आपके सामने आ गया, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है जिसका ऑर्डर सेम होता है, और इक्वल सेट्स क्या है बेटे जिनका ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो। इक्वल सेट्स में आप देख रहे हैं एग्जांपल में 3, 4, 5, 6 और सेकंड में बी में 6, 4, 3, 5, ये आगे पीछे लिखे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट बेटे क्या है? जब दो सेट का ऑर्डर सेम हो जाए तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, और जब दो सेट्स का ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो उन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई? मुबशिर, फैज, बाकर, बेटे बात समझ में आ गई? अरहम, शयान, क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई? ले जी पहली बात तो हमने ये समझी है कि दो सेट्स का अगर ऑर्डर सेम हो तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, और अगर ऑर्डर के साथ एलिमेंट सेम हो जाए तो उसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं। ऑर्डर के साथ एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो हम उसे इक्वल सेट्स कहते हैं।
मुबशिर कंप्लीट है बेटे, मुबशिर कंप्लीट है, फैज बेटे क्या बात है, मुबशिर कंप्लीट है, फैज कहते हैं कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इधर देखें जो 1 2 3 4 इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये इनका ऑर्डर सेम हो गया। तो पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है जी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम का मतलब ये है कि अगर पहले सेट में 3 है तो दूसरे में भी 3 हो, तो 3 है, ये 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है, 6 के साथ 6 भी है, और 5 के साथ 5 भी। ये मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग है कि पहले सेट में अगर 6 है तो दूसरे में भी 6 हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, उससे कोई फर्क नहीं। फैज बेटे बात समझ में आ रही, फैज इक्वल के लिए इक्वल सेट्स में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम। पॉइंट टू बी नोटेड है, कुछ एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। एमसीक्यूज बड़ा अहम है, कहता है जी ए का यूनियन अगर हम ए के साथ लें तो जवाब में वही सेट ए दोबारा आ जाएगा। क्या आपको ये बात याद है मैट्रिक क्लास में, यूनियन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ लिखा जाए। अगर हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4, और अगर हम इसी सेट का यूनियन ए का यूनियन ए के साथ लें अहमद ने कहा कि सर पिछली स्लाइड दिखा दें एक मिनट के लिए, तो अहमद आपके लिए पिछली स्लाइड आ गई। अहमद बेटे आपके लिए पिछली स्लाइड आ गई, ले जी बात ये हो रही है कि यूनियन का मतलब होता है नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखा जाए, एक सीक्वेंस के साथ लिखा जाए। एमसीक्यूज ये कहता है कि जब हम ए का यूनियन ए के साथ लेते हैं तो जवाब में वही सेट ए दोबारा आ जाता है। यकीनन आप देख सकते हैं अगर मैं 2, 3, 4 का यूनियन 2, 3, 4 के साथ लूँ तो आंसर में वही सेट ए आ जाएगा, और अगर इसका इंटरसेक्शन लें तो तब भी सेट ए ही आ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ए का यूनियन ए के साथ ए होता है और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही होता है। नेक्स्ट कहता है कि अगर आप सेट ए का यूनियन नल सेट के साथ लें, अगर आप जैसे एक सेट ए हमारे पास है 2, 3, 4 एक सेट है ए है, और अगर हम इस 2, 3, 4 का यूनियन बेटे ले नल सेट के साथ, तो नंबर को चूंकि एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ लिखना है तो आंसर में 2, 3, 4 आएगा। 2, 3, 4 का मतलब है सेट ए वापस में आंसर में आ जाए। नेक्स्ट कहता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ लें, भाई यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे गिवन सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1, 2, 3 ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और सेट ए मेरे पास है 2, 3। अब अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लूँ तो भाई इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं सेम नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, 3 आएगा, इसलिए आंसर में सेट ए वापस आ जाए। ये बात बड़ी अहम और याद रखने की है कि जब हम दो सेट के दरमियान में यूनियन लेते हैं तो जिस सेट में एलिमेंट ज्यादा होते हैं जवाब में वो आता है, और जब दो सेट के दरमियान में हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो
जिस सेट में एलिमेंट कम होते हैं वो हमारे आंसर में आते हैं। तो ए का यूनियन जब हम नल सेट के साथ लेंगे तो आंसर में सेट ए वापस आ जाएगा, और जब हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो जवाब में वापस सेट ए आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है जब आप ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेते हैं तो जवाब में नल सेट आता है, और जब आप ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यहाँ नल सेट के साथ, जैसा कि आपके सामने एक सेट ए है 2, 3, 4, अब अगर मैं यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन ले लूँ तो इंटरसेक्शन लेने से आंसर में नल सेट लिखेंगे क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब आप ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो यूं के यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, इसलिए जवाब में यूनिवर्सल सेट ही लिखा जाता है। जैसा कि अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट ए आपके पास है 2, 3, 4, तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर में यूनिवर्सल सेट ही लिखा जाएगा। क्या तमाम स्टूडेंट ने इन एमसीक्यूज को समझा है? अहमद, फैज, मुबशिर, शयान, अहमद, क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आराम बेटे, बात समझ में आ रही? बाकर बेटे, बात समझ में आ गई? अहमद, फैज, बाकर, शयान, अरम, क्या तमाम स्टूडेंट ने एमसीक्यूज को समझा है? एमसीक्यूज है, बड़े हैं एमसीक्यूज। लेकिन क्लियर डी मॉर्गन लॉज आपने मैट्रिक क्लास में पढ़े भी हैं, सॉल्व भी किए हैं। कहते हैं जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई हम ये बात जानते हैं लेंगे, यहां पर हम ये बात जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की हेडिंग है, अलग से हेडिंग है डी मॉर्गन्स लॉ की, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। भाई कॉम्प्लीमेंट हम समझते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि आपने यू में से ए को माइनस करना है। U का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से आपने 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और सेट A मेरे पास ये लिखा हुआ है 2, 3, 4, इसे मुझे माइनस करना है, 2, 3, 4 को माइनस करना है। दो सेट के दरमियान में अगर माइनस का साइन आ जाए तो बेटे सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं और हमेशा पहले सेट के नंबर लिखे जाते हैं। 1 और 5 ये पहले सेट के नंबर हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1 और 5। 1 और 5 ये मेरे पास पहले सेट के नंबर हैं लिखे गए हैं, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए, अगर दो सेट है मेरे पास, मैं कहता हूँ एक सेट है 2, 3,
टू थ्री फोर एक सेट है और इसे माइनस करना है मुझे टू थ्री सेवन से माइनस करना है। तो बेटे टू से टू कैंसिल होगा, थ्री से थ्री कैंसिल होगा। अब देखें यहां पे पहले सेट में फोर है और दूसरे सेट में सेवन है, तो हमें लिखना फोर है, दूसरे सेट के नंबर को नहीं लिखा जा। कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है, जो भी यूनिवर्सल सेट के नंबर है उसमें से सेट ए के नंबर को माइनस कर दें। अब अगर यूनिवर्सल सेट टू थ्री फोर है और सेट ए टू थ्री सेवन है तो उसको जब आप माइनस करेंगे तो सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और हमेशा पहले सेट के ही नंबर लिखे जाते हैं। बाकर बेटे बात समझ में आ रही कॉम्प्लीमेंट की? कॉम्प्लीमेंट ये कहता है, कॉम्प्लीमेंट बात समझ में आ रही बाकर? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल में से एक को माइनस करें। माइनस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये दो सेट माइनस कैसे होते हैं। जैसे अगर टू थ्री पहला सेट है और माइनस के बाद यहाँ पे नल सेट आ जाए तो याद रखें कि पहला सेट क्योंकि नल सेट है, पहला सेट क्योंकि टू थ्री वाला सेट है तो आंसर में ये पहला सेट आंसर में आएगा। लेकिन अगर नल सेट पहले लिखा जाए और ये टू थ्री वाला सेट बाद में लिखा जाए तो अब ये नल सेट जवाब में आए। तो माइनस के लिए बड़ी अहम बातें याद रखनी है कि जो सेट पहले लिखा जाता है आंसर में भी वही सेट दोबारा से लिखा जाता है। जैसा कि आपके सामने नोट में एक और बात आ रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि हम यू में से ए को माइनस करेंगे। यू में से ए को माइनस करने का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। अगर हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और जो आंसर आ जाए उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो आंसर में वही सेट ए दोबारा आ जाएगा। यानी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आंसर में वही सेट ए अगेन आ जाता है, दोबारा से आ जाता है। अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लें तो भाई यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि हमें यू में से यू को माइनस करना है। यू में से भाई यू को जब आप माइनस करेंगे तो तमाम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इसका नल सेट बन जाएगा। फिर कहता है कि अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो नल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में से हम नल सेट को माइनस करेंगे। अब चूंकि यूनिवर्सल सेट पहले लिखा हुआ है तो इसलिए आंसर में बेटे यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा। तो यूनिवर्सल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो तो नल सेट बन रहा है, बट नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट आपके पास बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि अगर ए का यूनियन हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट आता है। इसको जरा सा सॉल्व करते हैं हम यहां पर। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2, 3 एक यूनिवर्सल सेट है और सेट ए के एलिमेंट जो है
वो है जीरो और वन, ये सेट ए के एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम मालूम करें तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को बेटे माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जीरो वन टू थ्री। यूनिवर्सल सेट क्या है, जीरो वन टू थ्री। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, जीरो और वन को अगर हम माइनस कर दें तो भाई जीरो वन से जीरो वन बेटे कैंसिल हो जाएगा और हमें ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है टू थ्री। ये रिजल्ट मैंने मालूम कर दिया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। वो ये कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन अगर हम लें, भाई सेट ए हमारे पास क्या है, जीरो कॉमा वन, ये सेट ए है, इसका यूनियन हमें लेना ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, टू थ्री है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप इसका जब यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो वन टू थ्री आ रहा है। तो आपने देखा कि ए यूनियन का, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन जब हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बनाते हैं तो आंसर में यूनिवर्सल सेट आ जाता है। इसी तरह से जब ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें और आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो जब हम इसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे, अगर मैं ये कहूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें, ए का इंटरसेक्शन, भाई ए का अगर मैं इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मालूम करूं, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम मालूम करें, यानी इन दोनों के दरमियान में यूनियन को हटा के इंटरसेक्शन लगा दें, तो फिर हमें इन दोनों के दरमियान सेम एलिमेंट देखें, और इन दोनों के दरमियान में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर नल सेट बनता है, और अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो क्या तमाम स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे, कि जब हम ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो जवाब यूनिवर्सल सेट आएगा, और जब हम ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो आंसर नल सेट आएगा। आई होप कि आज के तमाम पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फैज, बाकर, शयान, अरहम, मुबशिर, बेटे आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, ये आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ऑफ करेंगे, क्योंकि आज रात को आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें दो प्रीवियस लेक्चर जो है वो शेयर किए जाएंगे, जो कि लास्ट वीक के दो लेक्चर है, और उनको समझें फिर उनको नोट डाउन करें, और फिर ये तीसरा लेक्चर भी है, तो इस तरह से तीन लेक्चर उनके पेंडिंग में आ जाएंगे, तीन लेक्चर का काम उनके पास हो जाएगा। कल चूंकि 14 अगस्त है तो कल मेरा लेक्चर नहीं हो सकेगा, तो कल के दिन आप बैठ कर इन तीनों लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि दो प्रीवियस लेक्चर का काम जो है पेंडिंग में आपके लिए है, वो आज रात को अपलोड कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड दो लेक्चर हैं लास्ट वीक के, तो उनको भी समझें, और फिर आज का लेक्चर तो आप समझ ही चुके हैं, तो इसी लेक्चर पर हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और तमाम स्टूडेंट्स
लास्ट स्लाइड में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये सब एमसीक्यूज के हवाले से।